नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आपके भीतर बैठी हुई माँ भगवती की शक्ति, भगवान की शक्ति को प्रणाम करता हूँ। 2020 अलविदा हो रहा है, कुछ ही दिन बाकी हैं, 3-4 दिन बाकी हैं। 2020 हमें बहुत कड़वी मीठी यादें दे करके गया। अध्यात्म कड़वाहट में भी मिठास को ढूंढता है। 2020 ने हमें रिश्तों की अहमियत को महसूस कराया, परिवार की अहमियत को महसूस कराया। जिनके पास बहुत शिकायतें थीं काम के बारे, जॉब के बारे, बिजनेस के बारे, एक ऐसा वक्त आया कि लगा कि अगर हमारी हेल्थ अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है। भगवान, 2021 आपका बहुत शुभ हो। आप बहुत उत्साह के साथ, खुशी के साथ 2021 का वेलकम करें। दोस्तों, तंत्र सीधी बात करता है। तंत्र कहता है कि हमारा और परमात्मा का सीधा संबंध है। तंत्र कहता है हमारा और जो स्पिरिचुअल पावर्स हैं उनका सीधा ताल्लुकात है। और जैसे जैसे हम शक्तियों का शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं, तो हमारी शक्तियां और हमारे करीब होती हैं और हमारे संकल्प शक्ति को बढ़ाती हैं। ट्वेंटी वन के लिए अभी से अपनी प्लानिंग बनानी शुरू करें और जो भी आपका संकल्प है, जो भी आपका गोल है, उसको किसी भी तरह से प्राप्त करना है, ऐसा निश्चय करें। अगर आप ऐसा निश्चय करते हैं तो पूरे ब्रह्मांड की शक्ति, पूरी आध्यात्मिक शक्तियां आपके साथ हो जाती हैं। पर संकल्प बहुत दृढ़ होना चाहिए, बहुत फीलिंग के साथ होना चाहिए। मंत्र जाप, ध्यान हमारे संकल्प को मजबूत करने में हमारी बहुत मदद करता है। जब तक आपके जीवन का गोल नहीं है तब तक बात नहीं बनेगी। और एक चीज जो हमारे लिए बहुत नकारात्मक होती है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि 2020 के साथ उसको अलविदा कर दें। कुछ छोड़ना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए छोड़ना चाहिए। और मैंने अनुभव किया कि जो हमारी कंप्लेंटिंग नेचर है, शिकायत करने की नेचर है, वो हमारा बहुत नुकसान करती है। जिस दिन आप किसी का शुक्रिया करना शुरू कर देते हैं, थैंक्स करना शुरू कर देते हैं, धन्यवाद करना शुरू कर देते हैं, उस दिन से ही आप दूसरे व्यक्ति हो जाते हैं। जो जो कुछ आपके लिए हो रहा है, बस उसके लिए थैंक्स, उसके लिए धन्यवाद। और संकल्प इतना मजबूत
कि आपको लगे कि नहीं, मैं तो इस संकल्प के बिना, इस गोल के बिना जी नहीं सकता। एक बड़ी अच्छी शायरा हैं माननीय अंजुमन रहबर जी, उन्होंने बहुत अच्छा एक लिखा है, आसमां शू के आने की जिद है मुझे, आसमां शू के आने की जिद है मुझे, धूप है या घटा है, धूप है या घटा है मुझे क्या पता, मुझको अपनी उड़ानों से है वास्ता, मुझको अपनी उड़ानों से है वास्ता, किस तरफ की हवा है मुझे क्या पता। जब ऐसे हमारा संकल्प होता है तो बात बन जाती है। मैंने सुना वाक्या, जो शायर लोग होते हैं, सूफी लोग होते हैं, वो भगवान के, अल्लाह के, खुदा के बहुत करीब होते हैं। तो जिस दिन आपको सिर्फ, जैसे अर्जुन को मछली की आंख में सिर्फ बिंदु दिखाई दिया था जब तीर चलाना था, ऐसी स्थिति हमारी संकल्प के प्रति हो जाएगी, तब हमारे संकल्प पूरे हो जाएंगे। संकल्प की शक्ति क्या है, अध्यात्म की शक्ति क्या है, ये मैं आपको एक छोटी सी घटना से शुरू करना चाहूँगा। बहुत से अनुभव हैं, क्योंकि मेरे गुरुदेव इतने सख्त थे, वो कहते थे, बेटा जो नॉलेज है, ज्ञान है, बातें हैं, वो दूसरों की हैं, जब तू उसको प्रैक्टिकल करेगा वो तेरा होगा। जब तक आप किसी खाने को खा नहीं लेते, आप टेस्ट महसूस नहीं कर सकते, दूसरा कितनी भी तारीफ करता रहे। तो जो अध्यात्म का अनुभव है, जो बहुत से बच्चों को हुआ है, आज मैं थोड़ी सी उसकी चर्चा करूंगा। मेरे पास 5-7 साल पहले एक बच्ची आई, बड़ी इनोसेंट, बड़ी सिंपल बच्ची। आने के पश्चात उसकी स्थिति देखी, ऐसे लगा कि ये बच्ची किसी भी दिन कोई गलत स्टेप ना ले ले। और बहुत एजुकेटेड बच्ची, CFA किया हुआ, PhD की हुई, अर्थात पहले सिखाया समझाया, फिर ध्यान में, मेडिटेशन में लगाना शुरू किया। उसका संकल्प था कि मुझे किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में कोई डिग्री करनी है। मैंने कहा, लिख बेटे कहाँ करनी है। उसने नोट किया, 2-3 यूनिवर्सिटी लिखी, तो अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी में उनको एडमिशन मिल गया, वहाँ से MBA की उसने। आज भी अच्छी फाइनेंस कंपनी में वो डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छी जॉब है। पर आदमी का मन घबराता कैसे है, कैसे कभी कभी उसका सब कुछ होने के बावजूद भी उसके मन में नेगेटिव चीजें आने लगती हैं। कहती, गुरुजी मैं शादी करनी है, मुझे शादी में ऐसा लड़का चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए। मैंने कहा, शादी बेटा एडजस्टमेंट होती है, सभी चीजें नहीं मिलती। कहती, आप तो कहते हो कि संकल्प से सब कुछ मिल जाता है, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा, तुम्हें 2 वीक का टाइम देता हूं, तुम्हें जैसा हस्बैंड चाहिए
पूरा उसकी लिख दो कि ऐसा चाहिए। उसने 8-10 चीजें लिखी। मैंने कहा इसको लिख के रख ले, और जो भी आपसे रोज बात करता हूं, मंत्र से, जाप से, ध्यान से संकल्प को स्थिर करना, मैंने कहा अभी सिर्फ आप अपनी बेटा शादी के लिए सोचोगे। बहुत सी स्थितियां देखी, खैर मुझे भी लगा कि नहीं, जहां इसकी नहीं निभेगी वो बीच बीच में नाराज होना, रूठना, जैसे बच्चे रूठते हैं कि मेरा तो कुछ हो नहीं रहा, सबकी शादी हो रही है। मैंने कहा बेटा वेट कर। आप दोस्तों हैरान होंगे, जैसे पॉइंट उसने लिखे थे कि मुझे ऐसा हस्बैंड चाहिए, माता रानी ने ऐसा ही हस्बैंड दिया उसको। बहुत अच्छा लड़का है, साइंटिस्ट है, बहुत एजुकेटेड है, दोनों के विचार आप में आप मिलते हैं, दोनों बहुत हैप्पी हैं। 2 साल हो गए इस शादी को, अभी वो कभी कभी मेडिटेशन सिखाती भी हैं। पर जब उनमें, मैं आपको कहना चाहता हूं कि ऐसा कोई संकल्प नहीं है जो पूरा ना किया जा सके। आप कारोबार में आगे जाना चाहते हो, भक्ति में आगे जाना चाहते हो, जॉब में आगे जाना चाहते हो, खास करके जो बच्चे हैं, बच्चों आपका पूरा जीवन पड़ा है, आप कोई छोटी छोटी सोच नहीं रखो, बड़ी बड़ी सोच रखो, और सच में पूरी फीलिंग के साथ उस प्रभु के चरणों में लग जाओ, भगवान के चरणों में लग जाओ। और ऐसा नहीं है कि केला संकल्प कर लिया तो हो जाएगा, साथ में पूरी मेहनत भी करनी है। आसमां तभी छू पाओगे, उड़ोगे तो ना, सोचने से तो नहीं बात बनेगी, सोचोगे तो ड्रीम में हो जाएगा, रियल रूप में नहीं होगा। आप पूर्ण हो, आपके ऊपर उस भगवान की बहुत कृपा है, आप उस शक्ति के बहुत नजदीक हो। ऐसी पिछले 3 साल से 100 के करीब संकल्प सिद्ध किया लोगों ने, बहुत का हुआ होगा, कुछ लोग मुझे नहीं मिल पाए, नहीं बताया होगा, पर 100 के करीब मेरे पास ऐसे केस हैं जिनके पूरा संकल्प हुआ और हैप्पी हैं। जी मेरी बहुत अच्छी शिष्या हैं, बहुत अच्छी बेटी हैं, आप उनको जानते भी हो, ब्रजदीप जी। तो आपके जो 2020 के लिए संकल्प हैं, आप उनको दोहराएं, उनको पूरा करें, और संकल्प के पीछे सबसे पहले धन्यवाद की धारणा, थैंक्स की धारणा, शुक्रिया की धारणा लाएं। जो बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं आइंस्टाइन, वो कहते थे मैं दिन में कम से कम 100 टाइम उन लोगों के बारे सोचता हूं, उनका थैंक्स करता हूं, जिनके बिना मेरा जीवन नहीं चल सकता। आप देखेंगे तो आपको लगेगा गाड़ी में गैस नहीं होगी तो कैसे चलेंगे, हमें तो मिलती है ना, कोई कदर नहीं है, पानी नहीं होगा तो कैसे जिएंगे, खाना नहीं होगा तो कैसे खाएंगे, हाथ नहीं हिलेंगे तो कैसे खाएंगे। तो आपके पास में हजारों स्थितियां ऐसी हैं जहां आप थैंक्स 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 कर सकते हो। आपके सर के ऊपर छत है तो उसका शुक्रिया, आपके माता पिता अच्छे हैं शुक्रिया, बच्चे अच्छे हैं शुक्रिया, आप सुबह दुकान में गए शुक्रिया, रात को आए शुक्रिया। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको कोई शिकायत होती है, कुछ नेगेटिव होता है, तो दिन में 20-20 बार चलाएंगे, पर जब अच्छी बात होगी उनके लिए शुक्रिया बहुत कंजूसी से निकलेगा, जैसे लगता कुछ खर्च हो जाएगा। तो आप उस भगवान का धन्यवाद करने की शुरुआत करें, जैसे ही सुबह उठें तो शुक्रिया से शुरू करें, हे परमात्मा, हे ईश्वर, आपका बहुत धन्यवाद।
कि मैं ठीक ठाक हूं, आज मैं सांस ले रहा हूं। हे ईश्वर, हे परमात्मा, कल जो कोई गलती हो गई, आज वो उस गलती को मुझे दोहराना नहीं है। जैसे आप कोई ईर्ष्या करते हो, जलसी करते हो, सीधी सीधी आपको हर बार कहता हूं हम पे वापस आती है। तो आपके जो भी संकल्प हैं 2021 के लिए, उनको लिख लें और लगातार 2-3 वीक हम संकल्प के बारे में ही सोचेंगे, क्योंकि जब तक जिंदगी का कोई गोल नहीं है, तब तक हमारे में और पशु में कोई अंतर नहीं है। जब आप सोच लेते हो, अच्छे कार्य सोचते हो, तो तब आपकी स्थिति ऐसे ही हो जाती है कि अच्छे कार्य में भगवान की शक्तियां आपके साथ हो जाती हैं, प्रभु की शक्तियां आपके साथ हो जाती हैं। आप कारोबार बढ़ाना चाहते हो, आप सोचते हो मुझे मेरी माँ के लिए कुछ करना है, मुझे मेरे पिता के लिए कुछ करना है, मुझे गुरु के लिए कुछ करना है, मुझे समाज के लिए करना है, मुझे बच्चों के लिए करना है, तो वह शक्तियां इतना ताकत देती हैं, उठा के ऊपर ले जाती हैं आपको। जब आप ये सोचते हो मुझे कमाई तो करनी है, सबसे पहले मैं इसको बताऊंगा, इसने मुझे डाउन किया था ना, तब इसको सिखाऊंगा कि कैसे होता, तब शक्ति डाउन हो जाती है। आप कितना भी ऊपर उठो, किसी को डाउन करने की कोशिश नहीं करना। ये दोस्तों संकल्प की मैंने थोड़ी सी बातें बताई जितनी मैं ऑन स्क्रीन बता सकता था, पर आप पर्सनली पूछ सकते हो कि कैसे संकल्प में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या नहीं आती हैं। अभी हम मंत्र का जाप करेंगे अपनी क्लीनिंग के लिए, उसके बाद पॉजिटिव शक्ति के लिए। और आप कुछ नहीं किसी का भला कर सकते, कम से कम अच्छे हीलर बन जाओ, लोगों की बीमारियों को ठीक करने के लिए प्रार्थना शुरू करो, लोग परेशान हैं उनके लिए प्रार्थना शुरू करो। और हीलिंग, अगर अच्छी हीलिंग देनी है, उसके लिए सबसे अच्छा वक्त है जब व्यक्ति गहरी नींद में सोया हुआ हो, जैसे सुबह 3 बजे 4 बजे सब लोग सोए होते हैं, अगर उस टाइम आप हीलिंग देते हो तो उस हीलिंग का इफेक्ट बहुत अच्छा पड़ता है, दिन में भी पड़ता है और उस टाइम में हीलिंग बहुत अच्छी होती है। अभी वम रूम मंत्र का जाप करें, वम रूम 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 वम रूम। मन में वम रूम मंत्र का जाप करें।
आप अपने चक्रा को धीरे धीरे क्लीन करें, अपनी रेजिज फर्स्ट चक्रा को भेजने की कोशिश करें। सेकंड चक्रा को भेजने की कोशिश करें। ऐसे थर्ड चक्रा को, फोर्थ चक्रा को, फिफ्थ चक्रा को, सिक्स्थ चक्रा को। जैसे छह चक्रा क्लीन हो जाते हैं, सातवां अपने आप क्लीन होने लगता है। जब दोस्तों ध्यान करते हैं तो कभी कभी मन के विचार बहुत तंग करते हैं, कभी कभी क्या सदा ही करते हैं। इसलिए दो टेक्निक बहुत जरूरी हैं। पहली, आप जब भी ध्यान में बैठें, परमात्मा के चरणों में बैठें, प्रेजेंट में बैठें, प्रेजेंट में ही रहें। प्रेजेंट वर्तमान सबसे शक्तिशाली है, सबसे ताकतवर है। और धीरे धीरे आप देखेंगे जैसे आपको प्रेजेंट की आदत पड़ गई, तैसे तैसे आप सभी कामों में प्रेजेंट में करने लगेंगे, आपके काम बहुत जल्दी होंगे और उनमें आपको सक्सेस भी मिलेगी। आप किसी काम के लिए फोन लगा रहे हो, बहुत इम्पोर्टेंट काम है, और साथ में तीन काम और आपके दिमाग में चल रहे हैं, उनको भी सोच रहे हो, तो बात नहीं बनेगी, वो बात नहीं आएगी। आप प्रेजेंट में रह करके ध्यान करें, मंत्र जाप करें, माता जी के साथ रहें, भगवान के साथ रहें, ईश्वर के साथ रहें, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ताकतवर है। सेकंड, जैसे हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो जब हम सांस को रोकते हैं, आपको कहते हैं ना सांस को कुछ क्षणों के लिए रोको, जैसे हम रोकते हैं तब हमारे मन के विचार भी रुक जाते हैं कुछ क्षण के लिए। आप नोट करना, जैसे आपके मन के विचार ऐसे रुकते हैं और आप 20 बार 30 बार ऐसे श्वास लेते हो, गहरी श्वास नाभि तक, फिर छोड़ते हो, तो नाभि चक्रा अमृत कुंड है, जहां से सब शक्तियों का उत्थान होता है, जहां से सब शक्तियां निकलती हैं। एक्चुअल धुरा है, जो सेंटर पॉइंट है। जितने बड़े बड़े पीर फकीर साधु संत महात्मा हुए, सब ने इसको सेंटर पॉइंट कहा है। कुछ लोग इसको कहते हैं, पर निश्चित रूप से जो मैंने भी अनुभव किया कि नाभि चक्रा ही हमारा सेंटर पॉइंट है। तो जैसे नाभि चक्रा में आप ठहर जाते हो, आपके प्राण ठहर जाते हैं, उसके पश्चात जो आपका संकल्प होता है, जो आपकी प्रभु के साथ शक्ति के साथ बात होती है, वो कमाल की होती है। आपकी संकल्प शक्ति बढ़ने लगती है। इस चीज को ध्यान रखना। ज्ञान भैरव तंत्र में पार्ट 4 में, पार्ट 5 में निश्चित रूप से बहुत अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन किया गया है, पर इसकी समझ तभी आएगी जब आप इसको अपने निजी ज्ञान में लाएंगे, निजी लाइफ में लाएंगे। गहरी सांस लें,
सांस को रोकें। फिर धीरे धीरे छोड़ें। ऐसे कम से कम 20-30 times करें। ऐसे आपके विचार दृढ़ हो गए। संकल्प के प्रति अपने गुरु मंत्र का, जहां आपके लिए संकल्प के लिए विशेष मंत्र है, उस मंत्र का जाप करें। नहीं है तो हस काला हरीम का जाप करें। हस काला हरीम, 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 हस कल हरी, हस कल हरी, हस कल हरी। अपने इष्ट के चरणों में चले जाएं। हे भगवान, हे ईश्वर, हे माँ, मैं आपका बेटा हूँ माँ। आप पूरे ब्रह्मांड की मालिक हैं। हे माँ, पूरे विश्व की मालिक हैं माँ। तो आपके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, तो मैं कैसे दुखी हो सकता हूं मां। आप मेरे साथ हैं, मैं फेल हो ही नहीं सकता। मां, कहां कहां से आपने शक्ति दी, कैसे कैसे आगे बढ़ाया मां। ये आपकी कृपा मां। माँ की गोदी में बैठे हुए, माँ के चरणों में बैठे हुए, माँ का प्यार महसूस कर रहे हो, उसकी शक्ति को महसूस कर रहे हो। माँ, आपकी बहुत कृपा हो रही है। कहते हैं ऐसे ही बैठे रहें, ऐसे ही उसकी कृपा को महसूस करते रहें। हे महाराज राजेश्वरी, विश्व का पालन करने वाली मां, सबको अन्न धन संतान देने वाली मां, राजेश्वरी मां का बेटा गरीब नहीं हो सकता, बीमार नहीं हो सकता, परिवार से दुखी नहीं हो सकता। मां, तेरी कृपा है मां, तेरी कृपा है मां, आपकी कृपा से ही सब कुछ है मां।
अपने इष्ट से, मां से अपनी बात करें। वो जानती हैं सब कुछ। आप उस ब्रह्मांड की शक्ति के साथ एक हो रहे हैं। धीरे धीरे साक्षी भाव से सब कुछ महसूस कर रहे हैं। बहुत कृपा माँ तेरी, बहुत कृपा, बहुत कृपा। जो कुछ भी है माँ, सब तेरी कृपा से है माँ। अपने चरणों में लगाए रखना माँ। माँ ऐसे ही कृपा बरसाते रहना माँ। जो कुछ भी अच्छा हुआ है उसके लिए थैंक्स, शुक्रिया। आप जो भी होना चाहते हैं, जो भी आपका संकल्प है, माँ की कृपा से पूरा हो रहा है, उसको महसूस करें। पूरा हो गया है उसको महसूस करें। माँ का धन्यवाद करें, थैंक्स करें भगवान का, अपने गुरुदेव का, अपने माता पिता का, जिनके कृपा से, जिनके आशीर्वाद से हो रहा है। वो बहुत शक्तिशाली है। हे माँ, अच्छी हीलिंग करने की शक्ति देना, दान पुण्य करने की शक्ति देना। गोल पूरा हो गया, संकल्प पूरा हो गया, वीरपंख मुद्रा करेंगे। धीरे धीरे आंख खोलें, हाथों को देखें। गुरु ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान से, साधना से, मंत्र जाप से, जहां तक लिखा है विज्ञान भैरव तंत्र में, तंत्र विज्ञान के और बहुत से ग्रंथों में, बहुत से गुरुओं ने, महापुरुषों ने भी कहा है, कहते हैं लिखा हुआ मिटाया नहीं जा सकता। पर मैंने अनुभव किया कि साधना से लिखा हुआ चेंज किया जा सकता है। साधना से, गुरु कृपा से,
ग्रह नक्षत्रों को चेंज किया जा सकता है। आप ध्यान के विद्यार्थी हो, गुरु के शिष्या हो, साधक हो, तो मैं ये प्रॉमिस के साथ कहता हूँ कि आपके ऊपर ग्रहों के अच्छे ग्रह जो होंगे और अच्छे हो जाएंगे, और जो नेगेटिव होंगे उनकी शक्ति बहुत कम हो जाएगी। आपके लिए सभी समय सभी वक्त शुभ होंगे, कोई नेगेटिव वक्त नहीं होगा। आप सदा विजयी होंगे, आप सदा आगे बढ़ेंगे। आपने किसी भूखे को खाना खिला दिया, वो भी मंत्र जाप है। किसी गरीब को हॉस्पिटल ले गए, वो भी साधना है। किसी भी व्यक्ति के कष्ट को देखकर आपके मन में कष्ट आ गया और उसकी सहायता के लिए तत्पर हो गए, वो भी साधना है। जो भी किसी की हेल्प कर सकते हो, निष्काम भाव से हेल्प कर दी, वो भी साधना है, वो भी मंत्र जाप है। अपने काम को प्रेम से किया, प्यार से किया, श्रद्धा से किया, वो भी साधना है। जैसे ऐसा करते करते जो एनर्जी पैदा होती है, उस एनर्जी के वाइब्रेशन सीधा आपको भगवान की शक्ति के साथ जोड़ देती हैं। वो वाईफाई ऐसा सिस्टम है कि सीधा आप उस शक्तियों से जुड़ जाते हो। बस आज इतना ही। माँ बहुत बहुत कृपा करे, भगवती आपको बहुत बहुत शक्ति दे। 2021 आपके लिए शुभ 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 लेके आए। आगे बढ़ें, प्रोग्रेस करें। आपके भीतर बैठी हुई माता रानी को, भगवान को, उस शक्ति को प्रणाम करता हूँ। जय माता जी।